तुमने खत को जिस गलत अंदाज के साथ पेश किया, सिक्योरिटी कमेटी के राज को जिस तरह अफशा किया, तुमने हल्फ से गद्दारी की है। लिहाजा इस हवाले से हमारे इदारों को सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान इस तरह के मफरूजों पर मबनी इल्जामात और पाकिस्तान की वफादार क़यादत को गद्दारी की तरफ धकेलने के नतायज क्या होंगे, मुल्क किस तरफ जाएगा, फिर इलेक्शन चाहते हो, हमें कहते हो आओ इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन के लिए 3.5 साल हम सड़कों पे रहे हैं, तुम इलेक्शन से भागते रहे हो। तुम्हें इलेक्शन की तरफ धकेला है अदम एतमाद की तहरीक ने, तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है, कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक का सामना करो। सवाल गंदम, जवाब चना का सामना करो। सवाल गंदम, जवाब चना। एजेंडे पर है अदम एतमाद और उसको प्ररोक कर रहे हो एक मफरूजे की बुनियाद पर, करारदाद की बुनियाद पर। ये खेल नहीं चलेंगे हम, इसका मुकाबला करेंगे।